नमस्कार बेटे, मैं स्वागत है आपका। मैं हूँ योगेश। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बच्चों को लेकर, तीसरी लहर की जो आशंकाएं हैं या जो खतरा है उसको लेकर। हम लगातार आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञों के जरिए कि कब कौन सी लहर खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ तीसरी लहर को लेकर के अगर बात करें, नीति आयोग के सदस्य मेडिकल वीके पॉल, जो उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को हम खारिज नहीं कर सकते, सितंबर अक्टूबर में उसकी आशंका है, लेकिन उसे सावधान रह करके, वैक्सीनेट करके हम उस पर काबू पा सकते हैं। बच्चों पर ट्रायल चल रहा है और भारत बायोटेक उसके लिए कोशिश कर रहा है, और कितने सफल कब तक हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। उधर अगर हम बात करें, एम्स डायरेक्टर मिस्टर गुलेरिया लगातार वो मीडिया रिपोर्ट्स में है, उनका साफ कहना है कि इन्फेक्शन अगर आएगा भी वायरस का तो वो माइल्ड होगा, बच्चों को अफेक्ट कर सकता है लेकिन माइल्ड होगा, माइल्ड इलनेस आ सकती है। चलिए, लेकिन अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है तो मुझे लगता है कि ये खतरा भी हम टाल सकते हैं। बहरहाल, हम स्थिति से कैसे वाकिफ होंगे, क्या वास्तव में सितंबर अक्टूबर में ही आएगी, पहले जो सेकंड जो लहर थी उसकी फिर हम संभावनाएं जो थी तो उसे क्यों नहीं समझ पाए, कई तरह के सवाल हमारे जहन में उठते हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ डॉक्टर एस डी शर्मा साहब, जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ, जयपुर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वाई पी सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर नीरव पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। सभी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और इसको लेकर के हम जो अभिभावकों की चिंता है या फिर हम कहें कि एक हमारे सामने चुनौती है उससे हम कैसे निपटेंगे, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नीरव पटेल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस जी। नीरव जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि तीसरी लहर की संभावनाएं बताई जा रही हैं, कितनी व्यापक होगी, कैसी होगी, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन यह हम जरूर मान के चलते हैं कि होगी, दूसरी लहर की आशंका थी लेकिन इस तरह से आएगी और कब आएगी ये किसी को पता नहीं था। तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्या हम तीसरी लहर से निपटने के लिए उस रूप में तैयार हैं जो हम कह सकें कि हाँ कोई बात नहीं है, दूसरी से हमने बहुत कुछ सीख लिया है, सबक ले लिया है, तीसरी कभी भी आएगी तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं, या अभी हमें समय चाहिएगा इसके लिए? यस डेफिनेटली, अभी जो हमने सेकंड लहर में जो हमने सीखा है, सेकंड वेव में, कि हम कोरोना को कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पहले लहर के बाद जो प्रिडिक्शन था कि अभी तो ऑलमोस्ट इंडिया में से कोरोना चला गया है, इवन हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया था कि अभी कोरोना आने वाला ही नहीं है इंडिया में, सेकंड वेव जैसा कोई आने वाला ही नहीं है। मगर जैसे 15 20 दिन 30 दिन में कोविड ने अपना कहर जो सब जगह पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आप देख लो अभी चेन्नई बेंगलुरु में चल रहा है सेकंड वेव में ही, अभी रोज के वहां पे 5 5 10 10, तो वही कि भाई हम कोरोना को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें अपनी ओर से बेस्ट ऑल तरीके से, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अपना डॉक्टर्स बढ़ाने की कैपेसिटी के वाइज, अपना स्टाफ के वाइज, इवन ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करना है, वो सारी चीजें हमें रेडी रखनी चाहिए। अभी कोविड का, अभी जस्ट अहमदाबाद में आप देखो तो अभी सेकंड वेव खत्म होने को आया है, नए पेशेंट्स में कमी आई है, सारे नए क्रिटिकल पेशेंट्स में भी कमी आई है, मगर थर्ड वेव कब आएगा वो किसी को पता नहीं है। बराबर, हमें, हमारे पास क्या है, हम प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, तो हमें अच्छी प्रिपरेशन में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स का अच्छा काम, अच्छे डॉक्टर्स का ऑन ड्यूटी रहना, अच्छा स्टाफ, वो सारा हमें प्रिपेयर्डनेस तो चाहिए। और ये कब आएगी, तो हाँ अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के आसपास ये लहर आ सकती है, तो उसके लिए अभी ऑलरेडी सब, अगर जो आशंका जाहिर की जा रही है, सर, मिस्टर गुलेरिया भी कह रहे हैं, मिस्टर वीके पॉल भी कह रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, अगर सही तरीके से अगर हम हैंडल करेंगे तो वैक्सीनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडर ट्रायल है सर, जाइडस भी कर रहा है, फाइजर भी बच्चों को लेकर के कर रहा है, और हमारे अपने जो वो भी काम कर रही है, उसकी भी ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब आपके यहाँ से टीवी ऑन है शायद, मुझे लग रहा है क्योंकि आवाज आ रही है कहीं से, तो ऐसे में हमें लगता है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये चीजें भी अब जल्द होंगी, और इमरजेंसी यूज के लिए अगर ट्रायल सफल होता है तो हमें, जैसे कोवैक्सीन को लागू किया, स्पुतनिक को लिया रशिया में, तो इस तरह से शुरू कर सकते हैं उसको, तो हम, ये समय मिल जाएगा हमारे को कि हाँ बिल्कुल हम उसे लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर सितंबर अक्टूबर तक आती है तो। यस यस, अभी अपने पास 2-3 महीने का हम टाइम यहाँ से गिन सकते हैं, मगर हम एक प्रिडिक्टेबल टाइम नहीं गिन सकते,
एवरी स्टेट इंडिया में अलग अलग फेज में चल रहा है. अभी गुजरात में सेकंड वेव होने को आई है, चेन्नई में सेकंड वेव पीक पे है. तो ये टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर हाँ डेफिनेटली वी हैव टू मंथ्स, हम दो महीने के आसपास का टाइम है जिसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कैपेसिटी, जिसकी आई थिंक ज्यादा जरूरत पड़ी थी, रेमडेसिविर कैसे प्रोक्योर करना है अस्पताल तक कोई डिफिकल्टी के बिना अच्छे से रेमडेसिविर पहुंच जाए, टोसिलीजुमाब जरूरत है वो पहुंच जाए. एक सवाल है सर मेरा यहाँ पे क्योंकि ये कहा जाता है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एडल्ट्स के लिए है और हमारे जो टीनएजर्स हैं या फिर नाबालिग जो हैं उनके लिए, चाहे हमारा ऑक्सीजन सिस्टम हो या फिर जो इंजेक्शन हैं या फिर मेडिसिन हैं, उसमें अंतर है. रेमडेसिविर लगा सकेंगे? रेमडेसिविर आज क्यों ये चर्चा मैं प्री इस वजह से कर रहा हूँ कि रेमडेसिविर क्या बच्चों के लिए भी कारगर है, या फिर जैसे डॉक्टर्स ने खारिज किया कि रेमडेसिविर की आवश्यकता ही नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जिस पोजीशन में वेंटिलेटर पे है और उस वक्त हम रेमडेसिविर दे रहे हैं तो उसे कारगर भी नहीं है वो. जी चलिए डॉक्टर एस डी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं. नीरव जी आपके पास में आऊंगा मैं, डॉक्टर एस डी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सर स्वागत है आपका. मैं विजिबल हूँ? जी यस जी सुन सर. देखिए आप अभी मैं सुन रहा था तीसरी लहर में जहां तक समझता हूँ आएगी जरूर, क्योंकि हिंदुस्तान है हम लोगों ने देखा पिछले दो बार जो दो लहरों में हमने देखा है कि लोग जिस तरह से लापरवाह हो जाते हैं तो उसके हिसाब से ये जरूरी है कि इस तरह की लहर आने का संभावना पूरी पूरी है. और वो क्यों है वो भी मैं बताता हूँ. इसमें बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे अभी इसमें कोई दोहराए नहीं है. कारण ये है कि बच्चों में अभी इम्यूनाइज इस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. अपने वालों में ट्रायल जरूर चालू हो गए हैं अभी, पर उनका रिपोर्ट्स आएंगे फिर उनको वैक्सीनेट करेंगे फिर उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो इट विल टेक टाइम. मिनिमम मेरे हिसाब से 6 महीने और लगेंगे. और लहर आने में 2-3 महीने ही बचे. मैं जैसे जैसे आपने देखा होगा पिछले 3 महीनों में राजस्थान में जैसे ही अनलॉकिंग की प्रक्रिया चालू हुई है कुछ घंटों के लिए, उसी में लोग भीड़ उमड़ पड़ती है और वो भूल जाते हैं कोरोना का जो बिहेवियर उसको टोटली भूल जाते हैं. तो ये भूल ही बड़ी आगे जाके बहुत बड़ी भूल का जो हमको सहन करना पड़ता है जो बीमारी के रूप में, वो बहुत बड़ी बात है. और हमको हमारे डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, जैसे आपने अभी बताया कि ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है और कटु सत्य है ये कि वैक्सीन भी इतनी जल्दी हम लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चा क्या बड़ा हो कोई भी हो, वैक्सीन की जब तक रिपोर्ट्स ठीक से नहीं आती हैं, ठीक से उसको एग्जामिन नहीं कर दिया जाता उस रिसर्च को एक्सपर्ट्स के जरिए, तब तक उसे लॉन्च भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बड़ा रिस्क है. अचानक अगर कोई उसमें इस तरह की स्थितियां बने कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, पता लगा कि उसके नुकसान भी हो गए, कई बार इस तरह की चीजें भी सामने आती. लेकिन यहाँ एक सवाल है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, क्योंकि फिलहाल हमारे पास में अगर वैक्सीन नहीं है तो वो तो हमें अलर्ट रखना होगा. अभी जैसे आईसीयू है या फिर हमारे पास में ऑक्सीजन सिस्टम है, जैसे अभी डॉक्टर साहब से मैं पूछ रहा था रेमडेसिविर की बात भी कर रहा था, तो ये बच्चों के लिए सर सिस्टम में हमें अलग तरीके से करना होगा. ये सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे पास में अभी रन कर रहा है वो बिल्कुल सफिशिएंट है कि हाँ बच्चों के लिए कारगर है वो? देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो दायरा वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है. बच्चे ने अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, न बच्चे मास्क लगाते हैं, न कोरोना बिहेवियर को वो फॉलो करेंगे. बड़ों को ही हमको ध्यान रखना होगा कि उनमें फैले नहीं. हम लोगों को मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. सबसे बड़ी बात जिस घर में केयर टेकर नहीं हो तो उनको हॉस्पिटलाइज अपनी फैसिलिटीज में भर्ती कराना पड़ेगा बच्चों को. और बच्चों की जो फैसिलिटीज है एडमिशन की वो मैं समझता हूँ अभी हमारे राजस्थान में नहीं भारत में पूरे में अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उनके लिए आईसीयू की भी जरूरत होगी. जिस तरह आपने देखा होगा कि आजकल कोरोना रिलेटेड एक सिंड्रोम है MIC सिंड्रोम, जो मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो कोरोना तो हो जाता है उसके बाद में 1 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने तक भी हुआ आ जाता है. और उसको वो एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में कि बच्चा अदरवाइज ठीक हो गया, बुखार हुआ ठीक हो गया, कोरोना भी ठीक हो गया, नेगेटिव भी आ गया, और उसके बाद सडनली उसको हाथ पैरों में सूजन आती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसे सांस में तकलीफ होती है, इसके उंगलियों में सूजन आ जाती है, या फिर हार्ट में सूजन आके सांस में तकलीफ होती है, वो एक गंभीर समस्या है. उसमें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी और हमको PICU की भी जरूरत होगी. तो जैसे बड़ों में उनको आईसीयू की जरूरत है तो बच्चों में पीडियाट्रिक आईसीयू की जरूरत है, उनके लिए वेंटिलेशन
वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, सबसे बड़ी बात ट्रेंड पर्सनल जो को यूज में ले सके, उनको काम मिले, उनको ट्रेंड पीडियाट्रिशियन ट्रेंड न्यूरोनेटोलॉजिस्ट उनकी भी जरूरत होगी। तो मैं समझता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें ये चीज, पहले तो मेडिकल कॉलेज लेवल पे हमें ये देखना है कि कम से कम 50 बेड की आईसीयू डिफरेंट दोनों वो हमें तैयार रखें, वो अभी से शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो स्टाफ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया है कि जो स्टाफ हमारे पास में जिसे हम ट्रेंड स्टाफ कहते हैं, अगर पशु शिशु चिकित्सालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ठीक है कि वो उनको मालूम है कि हमें ऑक्सीजन लेवल कितना इससे फ्लो करना है, कितना इसका इंजेक्शन की डाइट वो हमें डोज देनी है, सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर हम ये चलेंगे जो ट्रेंड स्टाफ एडल्ट्स में काम कर रहा है या जो हम वयस्क लोगों में काम कर रहा है वो कारगर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां फ्लो का आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब ऐसी कुछ चीजें हैं कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ऑक्सीजन का जो हम एक उन्हें देना होता है उसमें भी अंतर है, उनके इक्विपमेंट सिस्टम में भी अंतर, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सर, टोटली बच्चों का सारा सिस्टम ही टोटली डिफरेंट है। उनमें प्रेशर, ट्रेंड पीडियाट्रिशियन, ट्रेंड इंटेंसिविस्ट, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की जरूरत होती है, और कम से कम उनको मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए 2-3 महीने की, जो पीडियाट्रिशियन है वो किस तरह बच्चों में वेंटिलेट करेंगे, कितना प्रेशर रखना है, कितना मेंटेन करनी है, सैचुरेशन कितना रखना है, ये सब टोटली डिफरेंट है। ज्यादातर दवाओं की जहाँ तक बात है आप कह रहे थे, मैं समझता हूँ अभी तक के जो हमने देखा है एक्सपीरियंस में कि रेमडेसिविर जैसी दवाओं का अभी कहीं कोई ये प्रमाण नहीं मिला कि वो बच्चों में कारगर है, लेकिन पैरासिटामोल ऑक्सीजन और स्पेशल सर्कमस्टांस में जो ऑफकोर्स उनको भी यूज लिया जा सकता है, यदि कोई जब कुछ बचता नहीं है और देने के लिए और बच्चे को बढ़ रहा है कोई उसका निमोनिया बढ़ रहा है, अपने सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए दवा दे दिए फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो मैं समझता हूँ रेमडेसिविर स्पेशल सर्कमस्टांसेज में स्पेशल बच्चों में कुछ बच्चों में यूज की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर उसके डोजेज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, डोजेज और उनके साइड इफेक्ट्स का भी हमें ध्यान रखना है। ये और स्टीरॉइड्स को भी बड़े ज्यूडिशियस यूज करना है, स्टीरॉइड जरूर यूज किए जा सकते हैं बच्चों में भी, MIC में स्पेशली जो मैं बात कर रहा था मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम है उसमें अगर पहचान हो जाती है, इसमें बहुत सिंपल है पहचान करना, अगर बच्चे को किसी घर में किसी के कॉन्टेक्ट में आया 1 महीने के अंदर अंदर, या उसमें कोरोना की सुधरे लक्षण है, या उसमें पॉजिटिव है एंटीबॉडी, या उसमें RT-PCR पॉजिटिव है बच्चे में, या वो बच्चा नेगेटिव भी है और घर में किसी को हुआ है पॉजिटिव RT-PCR, या उनमें कॉन्टेक्ट हुआ है, उनने जांच नहीं भी कराई लेकिन बच्चे में लक्षण है 3 दिन से ज्यादा का बुखार है, उसके सारे शरीर में सूजन आ गई, हाथों में खासतौर से नाखून आंखें लाल हो गई है, और अगर उसके पेट में सूजन आ गई है, पेट में आफड़ा आ गया है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आती है, सांस में तकलीफ होती है, तो MIS सिंड्रोम समझ के इसका इलाज करना चाहिए लीजिए, उसमें ये ब्लैक स्टेरॉइड जी जी चलिए, हमारे साथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सिंह जी जुड़े हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनको भी एक बार मैं जोड़ना चाहूंगा। सर यहाँ पे तीसरी लहर की आशंका और बच्चे, इसको लेकर के हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, सभी हमारे साथ और दूसरे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से नीरव पटेल जुड़े हुए हैं, जयपुर से डॉक्टर SD शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, हम कितनी तैयार हैं सर तीसरी लहर से निपटने के लिए, और बच्चों के लिए सरकारों को अब कुछ क्या करना चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए मेडिकल में? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारों को युद्ध स्तर पे अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़ों में तो और भी डॉक्टर्स देख सकते, टीवी चेस्ट के जो डॉक्टर हैं वो देख लेंगे, फिजिशियन देख लेंगे, बच्चों में पीडियाट्रिशियन के अलावा कोई भी नहीं देख पाएगा, और उसमें से भी जो आदमी बहुत स्पेशलाइज्ड केयर में मास्टर है वो वही कर पाएगा। तो इसमें अभी ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत कम है, कंसंट्रेटर की जरूरत है हमको, ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत है, और दवाइयों को स्टोर करना पड़ेगा, तीसरी लहर के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। बात यह है कि लेकिन स्पेकुलेशंस भी हैं ये कि बच्चों पे ज्यादा होगा असर, ऐसा WHO जो और संस्थाएं हैं जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं इंटरनेशनल, उन्होंने इसको नकारा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने इसको कहा है और कुछ साइंटिस्टों ने भी कहा है, लेकिन
कोई ऑथेंटिक इसकी रिपोर्ट नहीं है जो पहले ही बोल दिया जाता है, एक डर सा माहौल बन जाता है कि बच्चों पे ज्यादा असर आएगा। ऐसा क्या किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने जो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऐसे ने कहा है? मैं ऐसा, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि आगे भी ये एडल्ट्स पे ही ज्यादा असर करेगा। और हाँ, इन कंपेरिजन टू प्रीवियस जो और लहर थी, ये लहर में जो लोअर एज ग्रुप है वो ज्यादा उसको असर हो सकता है। अब बात आई कि इस बार 21 से 30 वाला ग्रुप या 21 से 40 वाला ग्रुप से ज्यादा असर आया, तो वो मेरा अपना मानना है कि वो इसलिए ज्यादा असर आया कि वो पॉपुलेशन मूव बहुत ज्यादा करती है। जो सीनियर लोग हैं वो घर में रहते हैं, तो वो उनको ओवरऑल इन्फेक्शन परसेंटेज में कम हुआ, लेकिन मोर्टेलिटी जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि वो इम्यून कम्प्रोमाइज होते हैं या उनका इम्यूनिटी लेवल वो उतना अच्छा नहीं होता है। और समय का अभाव है, मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो हमारी जो चिंता थी वो ये थी कि तीसरी लहर आती है, विशेषज्ञ इस बात को खारिज नहीं कर रहे कि आ सकती है, लेकिन उसे बचा जा सकता है, उसके लिए हम तैयारियां रखें। अगर जैसे खतरा दूसरी लहर का हमने देखा, कुछ लोगों का कहना है कि तीसरी अगर वेव आएगी भी तो माइल्ड इलनेस आ सकती है, यानी कि बच्चों में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, जिससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराने की होगा कि जैसे हम दूसरी लहर को लेकर के हम उस तरह से तैयार नहीं थे, तीसरी लहर के लिए हमें थोड़ा समय मिल रहा है। हम चाहें कि सभी को वैक्सीनेट कर देंगे, तब तक वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वक्त 2 से 3 महीने का बताया जा रहा है, कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे पास में संसाधन है उसे हम ठीक से उपयोग कर सके, उन्हें रेडी रख सके। हम अगर स्टाफ को कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें अलर्ट करना है तो वो सब चीजें करनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास में समय, जो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रहे तो उस ओर जाना चाहिए। विशेषज्ञों की साफ राय है, ताकि हम उससे बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।